नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 2। पार्ट 1 पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल जो है NCERT ऑफिशियल। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। आप अपनी सभी बातें, अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई डाउट हो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, या फिर कहीं पर आप अटक गए हैं, या फिर आप किसी चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं, तो अपनी सभी बातें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारी एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, आप सीनियर PGT मैथमेटिक्स हैं कैंपियन स्कूल भोपाल से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रेनू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लर्नर्स। तो मैम, क्योंकि हम पार्ट 1 पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन को शुरू किया जाए विद अ रिकैप ऑफ पार्ट 1। मैम, तो एक बहुत ही ब्रीफ रिकैप के साथ शुरू करना चाहेंगे मैम। बिफोर दैट, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज 22nd December, इट्स बर्थ डे ऑफ अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जी का। So let us all remember him and the contributions he has given for mathematics from our country. We cannot explain it in words. So let us all remember him and start the day. Now, my second part start karin, lines and angles. Lines and angles mein, we discuss the different types of lines, angles in fact, ki how we have angles. Angles means when two lines, they intersect at a point, what is formed is known as an angle. So this is an angle formed by two line segments. Fine. It is in fact two rays. We say it as two rays. These okay. two are known as arms of an angle. So ye ek particular angle hai. Let's name it. It's AOB. That's the name of this angle, which is written as AOB. तो दिस इज वन पर्टिकुलर एंगल। और अगर मैंने इसको, इस लाइन को एक्सटेंड किया इस तरफ, तो व्हाट आई फाइंड इज देयर इज, लेट्स मी टेक दिस पॉइंट सी, व्हाट आई फाइंड दैट सी ओ बी फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स एक, वी आर अगेन गेटिंग एंगल। देखिए, एक एंगल मिल रहा है विद आर्म ओ ए ओ बी, with the arm OB and the arm OC. That is this particular angle. Now, since the two arms, they form a straight line, this angle ko bolte hai straight line. Right? Aur ye jo angle tha, AOB, iska measure jo hai, it is, if you have a line which is this way, this measures 90 degree. तो ये जो मेजर है एंगल, इसका नाम हम 1 डालते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री, सो द एंगल दैट वी हैव इज नोन एज एक्यूट एंगल, दैट्स एन एक्यूट एंगल। और वही चीज एंगल सी ओ ए से देखेंगे तो दैट बिकम्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दीज एंगल्स इन द लास्ट क्लास। लेट अस नाउ गो अहेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्नड अबाउट द एंगल्स, and take up few questions. The question that I have is, it's it again, all the questions that I've taken is from the NCERT textbook. Okay? Now the question says, the ray OS stands on a line POQ. Dekhe, POQ. Agar aap dhyan se dekhenge, to OA, OQ and OP are two rays. They intersect at O. They have a common point. So the measure of angle POQ, yaha kya hoga? What will the measure of angle POQ? Since they form a straight line, the measure of angle this is nothing but 180 degree. That's the information we have. ठीक है? अब इस angle पे there is another ray OS, एक और arm बन गया है. तो we have now different angles. That is SOQ एक angle बन जाएगा,
एंड एस ओ पी दूसरा एंगल बन जाएगा. नाउ ओ आर एंड ओ टी आर अगेन टू मोर रेज सच दैट दे बाइसेक्ट द एंगल्स पी ओ एस एंड एस ओ क्यू. ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये दो रेज और बन रहे हैं. नाउ इफ द मेजर ऑफ एंगल पी ओ एस, इस पर्टिकुलर एंगल का मेजर पी ओ एस एक्स है, तो देन वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल आर ओ टी, दैट्स वॉट द क्वेश्चन इज. नाउ इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वी हैव एंगल पी ओ एस मेजरिंग एक्स, फाइन. अब वॉट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू अभी ऊपर लिखा है मैंने, एस ओ क्यू एंड पी ओ एस दे आर द पार्ट्स ऑफ द एंगल, दिस इज एस ओ क्यू, दैट इज दे फॉर्म टू लीनियर पेयर्स, दैट इज उन दोनों एंगल्स को एड करके 180 डिग्री आता है, देन दीज टू आर नोन एज लीनियर पेयर्स. सो अगर एक एंगल का मेजर एक्स है तो दूसरे एंगल का मेजर विल बी 180 माइनस एक्स, फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर ओ टी. नाउ आर ओ टी इज फॉर्मड आउट ऑफ विच टू एंगल्स, एड करके देखिए कौन कौन से एंगल्स. आर ओ टी के जो आर्म्स हैं, एंगल आर ओ टी के जो आर्म्स है उसके आर ओ ओ टी, उसके बीच में आपने एक और रे दिख रहा है, दैट इज ओ एस. सो वी हैव द टू एंगल्स आर आर ओ एस एंड एस ओ टी. सो आर ओ टी जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ओ एस एंड एस ओ टी. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, अब ध्यान से देखिए यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है. आर ओ एस हमें क्योंकि मेजर दिया है एंगल पी ओ एस का, तो आर ओ एस इज नथिंग बट हाफ एंगल पी ओ एस, क्योंकि आर ओ एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स. सो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मेजर ऑफ एंगल आर ओ एस विल बी हाफ ऑफ पी ओ एस जिसका मेजर एक्स है, और एस ओ टी इज अगेन हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल एस ओ क्यू विच इज 180 माइनस एक्स. लेट अस वैल्यूएट दिस, इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत क्लियर इसका कैलकुलेशन है. देखिए हाफ एक्स गेट्स कैंसिल, बचा क्या 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री. सो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अगर इफ यू हैव वन स्ट्रेट एंगल, दिस इज वन स्ट्रेट एंगल, फाइन, और आप उस एंगल के, देयर इज अ स्ट्रेट एंगल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस लीनियर एंगल में एक एनी रे है विच इज एट द कॉमन वर्टेक्स ओ, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स ओ. अगर आपके पास एक एंगल का मेजर है, यू हैव द मेजर ऑफ दिस एंगल, वॉट एवर बी द मेजर ऑफ दिस एंगल, वॉट एवर बी द, इट्स गिवन एक्स मीन सम वैल्यू, ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यूज है, वॉट वी फाइंड इज इफ यू मेक बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, bisectors of these angles, एक ये bisector है इसका, the other bisector is this angle, fine, these two are the bisectors, so the bisectors will always form what measure, दिख रहा है आपको bisectors, it is always forming a 90 degree, that is this angle will always be 90 degree irrespective of any measure. अगर मान लो आपके पास ये measure जो है instead of x, अगर मैंने आपको दिया है 160 degree, then in that case also angle ROT, this is ROT, it will always measure 90 degree. तो ये बच्चे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल में एक एंगल बनता है, वी आर मेकिंग इट इनटू टू एंगल्स व्हिच ऐड अप टू स्ट्रेट एंगल, उन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर, एक एक्यूट एंगल बनेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों के बाइसेक्टर्स दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, दैट इज दे बिकम अ दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मेक 90 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है. सो दैट्स वन क्वेश्चन. नाउ अनदर क्वेश्चन, OR is perpendicular to the line POQ. OR, that's perpendicular to the line POQ. POQ means another straight angle. ये पूरा straight angle है. That's straight angle.
fine. OR is perpendicular to it. Now we have to prove ROS, the measure of this angle. Ye jo angle hai, is angle ka measure half of angle QOS and POS. It is half of this angle. Now the question is how to take up this question. Because this is a question which we have to prove by seeing this figure. Now, as a student, mujhe samajh mein nahi aa raha how to start this question. What will I do? There's the alternate way of taking up the solution. Kabhi kabhi aisa hota hai ki kabhi hum start karne ke liye starting point hume samajh mein nahi aata hai. In that case, aap piche se chaliye. Piche se chaliye, what does that mean? आप इसके सॉल्यूशन पे आइए. दैट इज हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. ये हमारा रिजल्ट है ना. नाउ इसके ऊपर वाला स्टेप दैट इज यू गो टेक अप दिस एज द फर्स्ट स्टेप. इसके पीछे चलिए आप. इसके पीछे वाला स्टेप क्या हो सकता है? ये कहां से आया होगा? इजंट इट ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस equal to angle QOS minus angle POS, है ना? ये स्टेप से ये स्टेप आया होगा. नाउ ये स्टेप अगर देखेंगे तो कुछ अपने शायद हिंट मिलेगा. देखिए ROS, ROS, ROS is this particular angle, fine? And QOS means this angle. ये वाले एंगल को QOS बोले. And POS इस एंगल को बोले. थोड़ा सा अगर अपन रिफ्लेक्ट करेंगे इस फिगर को तो थोड़ा हमें और एक आइडिया मिलेगा. आइडिया क्या है कि आप देखो ये आर ओ एस ट्वाइस. देखो आप पी क्यू ओ एस जब लिया तब भी आपको आर ओ एस दिख रहा था. पी ओ एस में भी आपको कहीं ना कहीं आर ओ एस का कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है. दैट मीन्स ये जो आर ओ एस है इट कैन बी स्प्लिट. सो वी हैव दिस आर ओ एस स्प्लिट इन टू फॉर्म्स. वन फॉर पी ओ एस, दैट इज हमने पी ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. तो आई एम कीपिंग वन आर ओ एस हियर एंड टेकिंग द अदर आर ओ एस टू द राइट हैंड साइड विथ क्यू ओ एस. देखिए कुछ ना कुछ रिजल्ट दिख रहा है अपने को. पी ओ एस एंड आर ओ एस, पी ओ एस एंड एस ओ आर, इजंट इट फॉर्मिंग दिस 90 डिग्री, है ना? ये एड अप हो जाके होके बनता है एंगल पी ओ आर. दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस से रिमूव करो एंगल आर ओ एस, रिमूव इट. वॉट विल बी लेफ्ट इज दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल विच इज नथिंग बट आर ओ क्यू. दैट मीन्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है. नाउ वॉट मेड मी राइट द स्टेप, ये क्यों हो सकता है इक्वल? आप ध्यान से देखिए, आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा, इसका भी रीजन मिल जाएगा अपने को. क्या हो सकता है इसका रीजन? वाई आर दे इक्वल? ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एज वेल एज दिस इज 90 डिग्री. सो वॉट हैव वी स्टार्टेड विथ? मैंने स्टार्ट किससे किया है? दो ऐसे एंगल्स लिए हैं जिसका मेजर 90 डिग्री है. दैट इज पी ओ आर, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, दोनों का मेजर 90 डिग्री है. तो वो है स्टार्टिंग पॉइंट. अब आप देखिए, अब इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट ले लिए प्रूफ. प्रूफ we have this result, that is angle PO, this is the first step, angle POR is equal to angle ROQ. Why are they equal? Because they measure 90 degree. Ab POR ko split kar dijiye. Now go the other way. POR is split POS plus ROS. Here ROQ has been split as QOS because we need to introduce, hame ye chahiye tha. So automatically you are getting the result. So this is an alternate way. Kabhi bhi if we get stuck up, you can always take up the backward proof. That is, जो result दिया है उसको use करते हुए you climb up to get the starting point. I hope most of you have understood. ये clear हो सकता है क्या रेनू जी? समझ में आया होगा बच्चों को? जी मैम. हाँ. Now next one is this. That is a theorem that we have. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Like यहाँ पे दिया है line L. L and M they are parallel to each other. Fine. That's parallel to L is parallel to M और एक और लाइन M है that is parallel to N. So L is parallel to M and M is parallel to N. So question is L and N parallel? ये दोनों आपस में parallel है क्या? So let us start with this. That is
रिकलेक्ट करें, हम पिछले बार पढ़े थे हमने कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, और ये जो लाइन है दिस लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल, दैट इज इट इंटरसेक्ट्स द टू पैरेलल लाइंस. व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. देखिए ये दो एंगल्स बन रहे हैं, इसका नाम मैंने वन ले लिया, एंगल टू ले लिया. तो ये डेफिनेशन हमने किया था लास्ट क्लास में, इन दो एंगल्स जो बन रहे हैं इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो हमारे पास ये रिलेशन दैट इज एल एंड एम आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग पेयर्स विल ऑल्सो बी इक्वल, सो मेजर ऑफ वन विल बी इक्वल टू टू. वैसे एम एंड एन भी इक्वल है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स है टू एंड थ्री दे विल ऑल्सो बी इक्वल. अब इन दोनों को रिलेट करिए यूक्लिड थ्योरम, दैट इज इफ सेम्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स इक्वल टू सेम थिंग, वन इज इक्वल टू टू एंड थ्री इज इक्वल टू टू, सो वी हैव वन एंड थ्री इक्वल, विच सेज दैट अगेन वन एंड थ्री एक पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो वन एंड थ्री करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस इज अ रिजल्ट दैट वी हैव. फाइन, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, कि इसमें यू हैव एंगल बाइस ट्रांसवर्सल इज देयर, अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ये लाइन पी है एंड क्यू, दे आर टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है एल एंड द ट्रांसवर्सल क्रिएट्स दिस ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है इट क्रिएट्स डिफरेंट एंगल्स, उनमें से एक पेयर लिया मैंने करस्पॉन्डिंग पेयर, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये एक पेयर है, मैंने ये एक पेयर ऑफ एंगल्स लिया, दिस इज वन पेयर वन एंड दिस इज अनदर पेयर नेम्ड एज टू, ये दोनों दे फॉर्म अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स अगर हम लेंगे सो दे विल ऑल्सो बी पैरेलल. तो हमें प्रूफ क्या करना है, आर दिस लाइन आर इज पैरेलल टू एस, गिवन क्या है पी एंड क्यू टू पैरेलल लाइंस, और एल इज अ पैरेलल ट्रांसवर्सल, और ये जो आर एंड एस कैसे बनाए हमने, दे आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल वन एंड टू. सो इफ वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स, वी फाइंड दैट द बाइसेक्टर्स दे देमसेल्फ बिकम पैरेलल. वो कैसे प्रूव करेंगे, अब व्हाट इज गिवन, हमारे पास दिया है ना एंगल वन एंड एंगल टू आर इक्वल बिकॉज द करेस्पॉन्डिंग पेयर्स आर इक्वल दिया है. देखिए करेस्पॉन्डिंग पेयर्स आर इक्वल, नाउ इफ करेस्पॉन्डिंग पेयर्स आर इक्वल वोंट देयर हाफ्स विल आल्सो बी इक्वल, देखिए दोनों के हाफ्स भी इक्वल है, तो देन इफ हाफ्स आर इक्वल तो दिस पर्टिकुलर मेजर, अगर मैंने इसका नाम ए लिया है मेजर और इसका नाम बी लिया है, so we get this relation that is angle A and angle B is also equal. Angle A का measure angle B के measure से बराबर होगा. So when you see this carefully, ये एक line segment line है ये, and these are two lines. One is known as R. That's another line. That's S. This is another line S. ये दोनों lines ये line L से एक एंगल्स बन रहे हैं, वन दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का रिलेशन है कि दोनों इक्वल है. सो ये कौन सा पेयर दिख रहा है, दिस इज नोन एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज नोन एज करेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर. सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल, सो दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी पैरेलल टू एस. So angle bisectors of the two pairs of corresponding angles are also parallel. Likewise, angle bisectors of any two interior angles, alternate interior angles, they will also be parallel. Now, देखिए ये P, this is line P parallel to line Q. This forms a pair of alternate interior angles. ठीक है? So they are equal. If P is parallel to Q, they will P is parallel to Q. What does it imply? Angle 1 and angle 2 will be equal. If 1 and angle 2 are equal, then their halves are also equal. This says that I can name this angle. I use this measure. Iska naam A le leti hu, and this measures this is P.
दिस सेज दैट हाफ ऑफ एंगल वन जिसका नाम मैम हमने हियर लेट लिया मी है टेल यू हाफ दैट ऑफ वी हैव ऑलमोस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन ओके नाउ ओके फाइन फाइन विल बी जस्ट अबाउट ओके सो दीज टू मेजर्स विल ऑल्सो बी सेम सो वेन द मेजर्स ऑफ दीज टू एंगल्स आर सेम इट सेज दैट द लाइन्स विल बी पैरेलल फाइन नाउ यूजिंग दिस वी हैव अ रिजल्ट देखिए The transversal intercepts two parallel lines. The quadrilateral formed by the angle bisectors of both the pairs. आपके पास ये एक pairs of interior angles है और दूसरा ये है. This is two. Both these pairs, they form the quadrilateral formed by these angle bisectors will be a parallelogram. देखिए, we have angle one is equal to angle two, which implies we have AD is parallel to BC because their halves are equal. Half are equal जब भी result किया था. Likewise, we have the alternate that is we have CD parallel to AB. So if a quadrilateral has both the pairs of opposite sides parallel, then that quadrilateral is known as a parallelogram. Fine. Now we move on to the next question. That is, अगर मान लो two there are two transversal a transversal is intersecting the two lines. A and B, and एक pair of corresponding angles लिया मैंने. This is one corresponding angle, this is another corresponding angle. उनके bisectors, they are parallel. That is, we have bisector of one pair, that's OP. The other one is this line Q. So they are parallel. So if they are parallel, ये दिख रहा है ना same. This is a transversal. So we have this result that is one is equal to two. Now one is equal to two is giving us the result. Now, one is equal to two. They form a pair of corresponding angles. What does that imply? That is, twice of this angle will also be equal. And twice of that angle is angle AOB, which will be equal to angle OPQ. So they form a pair of corresponding angles because of which the lines will be parallel. Fine. Now, quickly, we'll take up one more question. No, ma'am. So, we have to wrap up this session as we are running very short of time. So, we will not get a new question. But, Beena, ma'am, you have connected with us. You have told us about our learners so well about the line and angles. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. तो अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप देख रहे थे मैथमेटिक्स का ये सेशन जिसमें बात कर रहे थे हम लाइन और एंगल्स पार्ट सेकंड की. और इससे पहले कि मैं ये सत्र यहाँ पर समाप्त करूँ, एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए देश भर में उपलब्ध है. आप ये पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी के बिक्री केंद्रों से जाके ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं. ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे. पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी. और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in. ये सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी. इनके अलावा यदि आप इसकी पीडीएफ वर्जन में सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है. आप जा सकते हैं एनसीईआरटी दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर. हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट जरूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो. इसी के साथ मैं रेणु भट्ट आप सभी से ले लेती हूँ अनुमति, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी ऑफिशियल और यूट्यूब चैनल पर सभी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए. हम आपको बता दें कि एक ब्रेक पर जा रहे हैं हम. ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि सोशल साइंस के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इस विषय पर बात की जाएगी तो अपना साथ जरूर दें. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत. नमस्कार.